हे हाय गाइस, आज मैं व्हाइट स्नेक के 23 एपिसोड को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर अभी तक आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो सामने दिख रहे आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम बाई और जिंग को देखते हैं, जहाँ बाई जूसियन के लिए खाना बना रही थी। तभी वहाँ जूसियन आ जाता है और वो जिंग को देख कर उससे माफी मांगता है, पर यहाँ जिंग गुस्से में प्लेट्स को तोड़ देती है। ये देख जूसियन कहता है कि अगर वो इन प्लेट्स को तोड़कर अपना गुस्सा निकालना चाहती है तो वो कर सकती है। और यहाँ जूसियन खुद जिंग को प्लेट्स देता है, जिसके बाद जिंग एक एक करके वहाँ के सारे प्लेट्स को तोड़ देती है। जिसके बाद जूसियन बाई के साथ अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ बाई जूसियन को बताती है कि जाय उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करती है। जिस पर जूसियन कहता है कि उसने अपनी बहन की गलत फहमियों को दूर कर दिया है और वो उस फेस्टिवल के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता, उसने उसे भुला दिया है। जिसके अगली सुबह बाई और जूसियन क्लिनिक पे थे, जहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और वो बाई से स्नेक से बनी मेडिसिन मांगता है। ये सुन जूसियन उस बूढ़े आदमी को बताता है कि अब यहाँ पर स्नेक से बनी मेडिसिन नहीं मिलती है और वो उसके बदले उसे दूसरी मेडिसिन देता है। तभी बाई नोटिस करती है कि यहाँ पर स्नेक से बनी हुई बहुत ही मेडिसिन थी, लेकिन जूसियन ने इसे नहीं बेचा। तो वो ये बात जिंग को जाकर बताती है कि जब से जूसियन ठीक हुआ है तो उसका बर्ताव बहुत ही अजीब हो गया है। यहाँ बाई को शक हो रहा था कि कहीं जूसियन को बीती बातों के अलावा ये बात तो नहीं याद आ गई कि वही एक वाइट स्नेक है। तभी उन्हें हैंग की आवाज सुनाई देती है, तो वो दोनों उससे मिलने निकल जाते हैं। वहीं इधर हैंग वो जूसियन को मेडिसिन देने आया था और वो जब देखता है कि जिंग यहाँ पर नहीं है तो वो जूसियन को एक सांप दिखाता है। जैसे ही जूसियन उस सांप को देखता है तो वो हैंग से इस सांप को खरीद लेता है, पर वो उसे रखता नहीं बल्कि वो हैंग को इसे आजाद करने को कहता है। साथ ही वो हैंग को समझाता है कि वो आगे से सांपों को ना पकड़े। ये बात सुनकर बाई का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है और उसे लगने लगा था कि जूसियन को सच में उनकी असलियत के बारे में पता चल गया है कि वो एक स्नेक है। ये जानकर जिंग बाई को एक आइडिया बताती है, जिससे कि वो जान सकते हैं कि जूसियन के मन में क्या चल रहा है। इसके अगले सीन में हम एक होटल में देखते हैं, जहाँ एक आदमी सभी लोगों को डेमन्स की कहानियां सुना रहा था। जूसियन भी वहीं पर होता है और कहानी खत्म होने के बाद जूसियन उस व्यक्ति से जाकर बात करता है और उससे डेमन्स के बारे में पूछताछ करने लगता है। साथ ही जानने की कोशिश करता है कि किन किन चीजों से डेमन्स हर्ट होते हैं, पर उसे यहाँ से ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। इसलिए जूसियन मॉन्क फाई से मिलने का सोचता है और तभी हम देखते हैं कि बाई और जिंग अपना वेस बदलकर वहीं पर थी और वो जूसियन का पीछा कर रही थी। वहीं इधर जूसियन वो मॉन्क फाई से मिलने पहुंच जाता है और वो शतरंज खेलते हुए मॉन्क फाई से डेमन्स के बारे में सब कुछ जान लेता है और साथ ही वो फाई से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनसे दूर रहे और बाई को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इस बात से फाई भी मान जाता है, पर वो जूसियन को एक चीज देता है, ये कहते हुए कि अगर कभी उसे डेमन से खतरा हो तो वो इसे नॉर्थ की तरफ फेंके और ऐसा करने से वो उसके पास मदद करने आ जाएगा। पर इधर बाई और जिंग जूसियन और फाई को साथ में देख लेते हैं। यहाँ जिंग को लग रहा था कि ये दोनों मिलकर उन्हें मारने की साजिश रच रहे हैं, पर बाई इसके बारे में नहीं सोच रही थी, बल्कि उसे डर लग रहा था कि कहीं जूसियन को उसके सच के बारे में पता चल गया तो वो उससे नफरत न करने लग जाए। यहाँ बाई डिसाइड करती है कि जूसियन को सच पता लगने से पहले ही वो खुद उसे सच बता देगी कि वो एक स्नेक डेमन है। जिसके बाद हम मॉन्क फाई को देखते हैं, जो कि जूसियन के बारे में सोच रहा था कि उसे सच पता चलने के बाद भी वो बाई के साथ रहना चाहता है बिना अपने जान का फिक्र किए हुए, कहीं यही तो सच्चा प्यार तो नहीं। तभी मॉन्क फाई के अंदर का वो काला साया निकल कर मॉन्क फाई को भड़काने की कोशिश करने लगता है कि ये कोई प्यार नहीं है बल्कि ये सब उस डेमन की मैजिक के कारण हो रहा है। यहाँ मॉन्क फाई उस काले साये को भगाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो काला साया मॉन्क फाई के अंदर आकर उस पर ही हावी हो जाता है। इसके बाद हम बाई को देखते हैं, जहाँ जूसियन आता है और वो बाई को फेनिस के साथ कंपेयर कर रहा था। तब बाई जूसियन को अपना सच बता देती है कि उसे फेनिस के साथ कंपेयर करना सही नहीं है क्योंकि वो एक डेमन है। यहाँ बाई पूरी बात बताती है कि वो यहाँ पर नए नए चीजों को सीखने आई थी और जब वो उससे मिली तो उसे उससे प्यार हो गया, इसलिए वो उसे छोड़ कर नहीं जा पाई और उसके अंदर जो पॉइजन आ गया था वो किसी और के कारण नहीं बल्कि
उसके ही कारण था और उसे ठीक करने के लिए उसने उसे अपना डेमन कोर दिया था। यहाँ पाई ये भी बताती है कि ड्रैगन बोट फेस्टिवल वाले दिन उसने जिस सांप को घर में देखा था वो कोई और नहीं बल्कि वही थी। ये बात सुन जू ज़ेन हैरान नहीं होता और पाई को बताता है कि उसे ये बात पहले ही पता चल गई थी कि वो एक वाइट स्नेक है। ये सुन पाई जू ज़ेन से पूछती है कि उसे कब और कैसे इस बारे में पता चल गया, जिस पर जू ज़ेन उसे बताता है कि उस दिन उस स्नेक को देखकर उसे लग रहा था कि उसने उसे खा लिया है, पर ठीक होने के बाद जब वो उसे मिली तब उसे शक हुआ कि कहीं वो वाइट स्नेक वही तो नहीं है। तब उसे वो बात याद आई जब वो पहली बार उससे मिली थी और वो छोटी छोटी गलतियां करती थी, जैसे हाथ से खाना खाना और यहाँ के नियमों को भी नहीं जानना। और तब उसे ये बात कन्फर्म हो गई। बाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी कि जू ज़ेन को सच मालूम होने के बाद भी वो उससे डरा नहीं। तो जू ज़ेन बताता है कि वो भले ही इंसान हो या फिर कोई सांप, वो उसके लिए उसका प्यार ही रहेगी। वो बाई को ये भी बताता है कि सच जाने के बाद उसने बहुत कुछ किया ताकि वो उसके बारे में और ज्यादा जान सके। वो मॉन्क फाई से मिला जिसके बाद वो बहुत सारे सांपों को देखने गया ताकि उसके मन के अंदर का सांप का डर निकल सके। ये बात जान बाई बहुत ही खुश हो जाती है कि जू ज़ेन उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। जू ज़ेन बाई को नुआ गॉडेस की मूर्ति देता है और बताता है कि वो बिल्कुल इन्हीं के जैसी है जिसके पास मैजिक भी है और वो बहुत ही खुशनसीब है जो उसे इतनी यूनिक वाइफ मिली है। इधर हम जिन को देखते हैं जो कि अपने सभी सेवकों के साथ बचने के लिए नुआ टेंपल आ गई थी ताकि मॉन्क फाई और जू ज़ेन उसे न पकड़ सके। इसके अगले सुबह जॉय जू ज़ेन और बाई के पास आती है। वो बाई के लिए बुद्धा के मंदिर से कुछ ताबीज लाई थी। जब जू ज़ेन ये देखता है तो वो लेने से मना करने लगता है पर बाई उसे रख लेती है। जाय के वहां से जाते ही जू ज़ेन बाई के गले से उसे उतार देता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं इसके कारण उसे को नुकसान न पहुंच जाए। पर बाई बताती है कि वो कोई नॉर्मल डेमन नहीं है इसलिए ये ताबीज उसका कुछ नहीं कर सकती। यहाँ जू ज़ेन बाई से कहता है कि उसने एक केप ढूंढ कर रखा है ताकि वो वहां जाकर अपनी साधना कर सके और अपनी पावर्स को बढ़ा सके। ये सुन बाई उसे बताती है कि उसे पावर के लिए किसी केव में जाने की जरूरत नहीं है। अक्सर जो डिमंस होते हैं वो इंसानों का खून पीकर अपनी पावर को बढ़ा लेते हैं। जैसे ये बात जू ज़ेन सुनता है तो वो बाई से कहता है कि वो उसका खून पी ले और वो आंखें बंद कर लेता है। पर बाई उसका खून नहीं पीती और बताती है कि इसका एक और तरीका है। उसे एक बहुत ही अच्छी जगह ढूंढनी होगी जहाँ वो जाकर साधना करके अपने पावर्स को बढ़ा सकती है। जिसके बाद बाई जू ज़ेन को अपनी मैजिक्स दिखाती है और वहाँ बहुत ही सुंदर फूल खिला देती है और उसे अपना रूप बदल कर भी दिखाती है। पर तभी वहाँ जाया जाती है। ये देख बाई तुरंत उन मैजिक्स को हटा देती है पर जाय ने थोड़ा देख लिया था तो बाई उससे कहती है कि वो यहाँ पर जू ज़ेन के जन्मदिन की तैयारी की रिहर्सल कर रही थी तो जाय को भी बाई पर शक नहीं होता। वो जू ज़ेन को बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है। जिसके बाद जू ज़ेन बाई से कहता है कि उसे वो जगह देखनी है जहाँ वो रहा करती थी तो बाई उसे वहाँ ले जाने लगती है। आसमानों से होते हुए वो दोनों माउंट एमी पहुंच जाते हैं जहाँ बाई बताती है कि यहीं पर वो रहा करती थी। वो दोनों नीचे आ जाते हैं तभी जू ज़ेन को याद आता है कि चिंग सॉन्ग भी तो माउंट एमी में रहता है तो वो उससे मिलने की बात कहता है। ये सुन बाई जू ज़ेन को चिंग सॉन्ग से मिलाने ले जाने लगती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।